सह्याद्री, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, उसी का एक छोटा सा हिस्सा हम आज एक्सप्लोर करने निकले हैं, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र के मुरबाड़ रीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट है, वो है गोरखगढ़। और ये गेट के बाहर फाइनली अभी 6 महीने के बाद ये गाड़ी मुंबई के बाहर जाने वाली है और बारिश भी रुक चुकी है। तो भिड़ लोग, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। ये गाइस लोग, रास्ता तो छोड़ो भाई। अरे यार, ऊपर से क्या मस्त दिख रहा है, खतरनाक। मुंबई से 100 किलोमीटर के बाद हम हमारे डेस्टिनेशन पे आ गए हैं और ये है गोरखगढ़ का प्रवेश द्वार। चाचा भी है और एक चाचा भी, एक चाचा भी, दूसरा चाचा फ्री। ये है गोरखगढ़ का प्रवेश द्वार। तो भिड़ लोग, फाइनली हम लोग डेहरी गांव में हैं और ये गोरखगढ़ का प्रवेश द्वार। यहाँ पे विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर है। अभी यहीं से अभी ऊपर जाना है। तो यहाँ पे हम लोग अभी थर्ड टाइम आए ना, इसी बार दूसरी बार। पर एक चीज़ है, आप सह्याद्री में किसी भी फोर्ट पे जाओ, वो मज़ा कभी कम नहीं होता। आप एक बार जाओ, 100 बार जाओ। अभी थोड़ा हालत टाइट है क्योंकि 6 महीना सिर्फ घर पे बैठे थे। अभी 6 महीने के बाद ट्रैक पे आए हैं और मजा आ रहा है। बारिश भी कम हो गई है और ऐसे सांस फूल रही है, खा के खतरनाक। अभी धीरे धीरे वजन भी कम हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग ने 10% किया है और 10% में हालत ऐसे हो गई है जैसे मिल्खा सिंह की हम लोग ने रेस दौड़ ली है। ये असर है लॉकडाउन का, बाहर जा नहीं पाए। जॉगिंग के लिए बाहर निकलते थे तो पुलिस डंडे मारती थी। डंडे खाने से अच्छा है कि घर में बैठ के अंडे खाएं, उसका यही असर है। अरे अरे, रुक 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 रुक, क्या हुआ? फूट दिख रहा है, देख यहाँ से। क्या बात कर रहा है? प्रॉपर पूरा दिख रहा है। ओ हो, ये है गोरखगढ़। हाँ दिखा, ये है गोरखगढ़। सही है, तो यहीं पे जाना है हमको। यहाँ पे बहुत सारे साइन बोर्ड्स है। यहाँ पे क्या, आप महाराष्ट्र के किसी भी अगर फोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पे ऐसे ही साइन बोर्ड्स मिलेंगे। थैंक्स टू ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे ऐसे साइन बोर्ड्स ला के जाते हैं, जो फोर्ट कंजर्वेशन का काम करते हैं। और ये साइन बोर्ड्स ही नहीं, यहाँ पे पत्थर पे भी मार्क्स होते हैं, वाइट पेंट से मार्क होगा, एरो होते हैं, तो वो एक ईजी हो जाता है आपको अगर आप रास्ता भटकते हो तो, कोशिश करना वो ढूंढने का।
और वीडियो कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, अभी थोड़ा प्लेन सरफेस है ना, थोड़ा अच्छा रहे, राहत मिल गई है, नहीं तो हालत टाइट थी। ये सह्याद्री है बॉस, ये हर चीज़ की एग्जाम लेगी। पानी नहीं है, सिर्फ एक ही बॉटल था अब, और एक तेरा तेरे पास है शायद। हाँ, एक बॉटल है मेरे पास में। भीड़ लोग यहाँ पे आते हो तो कम से कम हर एक के पास मिनिमम 2 लीटर वाटर बॉटल तो रहना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है, स्वेट लॉस होता है। अगर तूने देखा रहेगा तो ये देख, यहाँ पे ग्रास थोड़ी ना दबी हुई है। ओ, यहाँ पे कोई एनिमल्स वगैरह, ये थोड़ा दबा हुआ दिख रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे गीला था। हाँ। गीला किया क्या, कैसे? वो तो मैं किया गीला। अच्छा, तूने किया क्या? यहाँ पे भी थोड़ी ग्रास दबी हुई दिख रही है, छोटे एनिमल्स रहेंगे, मैमल्स। कैसे लोग है यार, दिख रहा है कचरा, लोगों ने किया हुआ कचरा, अगर पॉसिबल हो तो जमा कर देना। गोरखगढ़ ये सी लेवल से लगभग 2200 फीट ऊपर है, और ये भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी हिस्सा है, ये इतनी हरियाली उसी की वजह से है। याद रखना सिर्फ मंदिर और यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से नीचे मत जाना, नहीं तो फिर से गांव में जाओगे नहीं। यहाँ से भी एक रास्ता है ना, यहाँ से भी एक रास्ता है, हम लोग यहाँ से आए थे तो यहाँ से भी एक रास्ता है, तो फिर गलती से सीधे सीधे मत चले जाना। याद रखना शनि मंदिर है ब्लू, यहाँ से ऊपर। केव है इकड़े दादा, कुछ नहीं है। ये जो सामने दिख रहा है वो है अहुपे घाट। पहले के जमाने में लोग डेक्कन से कोकण आने के लिए अहुपे घाट का रूट यूज करते थे। तो ये है गोरखगढ़ का पहला पड़ाव, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यहाँ हर एक कदम फूंक फूंक के रखना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो आप सीधा नीचे नहीं ऊपर।
केव्स है जो मीलों दूर से भी दिखाई देते हैं। ये केव्स वैसे सातवां एरा से बिलोंग करते हैं। नानीघाट का इस्तेमाल करने वाले व्यापारी और यात्री अक्सर यहाँ ठहरा करते थे। अगर आप भी यहाँ आते हो तो यहाँ पर 20 से 25 लोग आराम से रह सकते हैं। ये रॉक कट केव्स किसी मैनमेड मार्बल से कम नहीं है। यहाँ पे पानी का भी स्रोत दिख रहा है। पर एक चीज है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के किसी भी आप फोर्ट पे जाओ, वो कितना भी ऊंचा होने दो या कितने भी गर्मी में होने दो, वहाँ पे पानी जरूर मिलेगा और वो पानी पीने लायक होता है। ये थी उस वक्त की इंजीनियरिंग। ओह, इस पानी में डेड फिश भी है, मतलब आप ये पानी जरूर पी सकते हो। बट अगर आपका आपको पॉसिबल हो तो आप इसे उबाल के पिए। वैसे इस पोर्ट पे बहुत सारे वाटर टैंक्स हैं, पर पीने लायक पानी इसी में, ये खेल के जस्ट बाजू में ही है। ये पीने लायक तो दिख रहा है। बहुत ठंडा है। ठंडा तो है। तो अब हम बढ़ रहे हैं गोरखगढ़ के दूसरे पड़ाव की ओर। ये दूसरा पड़ाव पहले पड़ाव से थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यहाँ भी संभल के चलना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके उतना बॉडी वेट आपका स्टेप्स पे होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे होल्स भी है, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट पैच है। इस फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में तो कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, पर नानीघाट का जो प्राचीन ट्रेड रूट है उस पर नजर रखने के लिए इस फोर्ट का इस्तेमाल होता था। यहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, यात्री रहने के लिए आते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावलों के बहादुरी के किस्सों को हम आज भी यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। सह्याद्री के हर एक किले का अपना एक महान इतिहास है, उसी इतिहास को जीने के लिए यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है।